हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और मैं माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ सेक्स थेरेपिस्ट भी हूं, यानी कि मैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को मेल फीमेल दोनों को डील करती हूं। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं बहुत सारे आदमियों के कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर। वो कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है टाइमिंग का इशू, यानी हाउ दे कैन प्रोलॉन्ग देयर टाइम इन द बेड, किस तरह से होगा ये। यू कैन सी माई फेशियल एक्सप्रेशंस के मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हर क्लाइंट जो आता है या इवन उसका फीमेल पार्टनर भी जो आता है तो वो अक्सर कंप्लेन जो होती है वो टाइम की होती है और आदमियों की भी टाइम की होती है। एंड एट द सेम टाइम आदमी जो कि एक मुनासिब टाइम भी जिनका होता है, जिनकी टाइमिंग थोड़ी सी बेहतर भी होती है, लाइक 10-12 मिनट्स भी होते हैं, उनको भी ये लगता है कि ये कम है और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो होनी चाहिए। जिसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि वो मर्द जो के बच्चा नहीं पैदा कर सकता वो मर्द नहीं है, वो मर्द जो के अच्छा टाइम नहीं है जिसका वो मर्द नहीं है। यानी हमारे यहाँ पे हमने सेक्सुअलिटी के साथ इंसान को जोड़ दिया, वो पूरे इंसान की वो जो एक कहते हैं ना कि इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, अगर वो सेक्सुअली बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो वो शायद उसको आप मर्द भी एक्सेप्ट करते हैं, और अगर औरत जो है बच्चा पैदा कर रही हो तो फिर आप उसको औरत भी। ये डायलमा ऑफ दिस सोसाइटी है बेसिकली। एंड ऑफ कोर्स टाइमिंग जो है वो लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू जो है वो होता है, जबकि अगर आप नॉर्मल टाइम की बात करेंगे तो दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर फीमेल एंड मेल। 4 मिनट्स, 4 to 10 minutes आर मोर देन एनफ फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। ये टाइम जो है वो नॉर्मेलिटी में कंसिडर किया जाता है और ये नॉर्मल टाइम है। हाँ, ये बढ़ा कैसे सकते हैं आप, इसको मज़ीद किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो आपके टाइम कम होने की वजूहात हो सकती हैं वो ये हैं कि जी आप मे बी बहुत लंबे टाइम के लिए आप स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो इफ़ेक्ट हो चुकी हुई है और आपका टाइम जो है वो अल्टीमेटली कम, यानी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स उसको जो है वो कम मिल रहा है और वो हो रहा है। देन दूसरी एक मेजर वजह जो हो सकती है वो ये कि वो लोग जो कि महीनों में सालों में कोई एक आध बार जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं, उन लोगों का जो है टाइम जो है वो कम हो सकता है क्योंकि वो सेक्सुअली उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं जो उनको हेल्प कर पाए टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। लेकिन सबसे अहम वजह जो टाइम के कम होने की है, जो आपको शायद लगता होगा कि कहीं पता नहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल लोगों का कम हो जाता है या उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स कम हो जाती है या कोई बॉडी नुक्स पड़ जाता है इंसान को, तो उसकी वजह से होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो टाइम कम होने की सबसे मेजर वजह है वो है आपकी प्रैक्टिस, कि आप किस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है जो आपके टाइम को इफ़ेक्ट करती है, यानी आपकी प्रैक्टिस, कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, यही आपके टाइम को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और उसके साथ साथ फिर जो एक और चीज़ उसको यानी जो इस चीज़ को बढ़ावा दे सकती है या कम कर सकती है वो है आपका थॉट। आप सोच क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके टाइम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। हम लोगों को बज़ाहरी ये लगता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ये सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स की एक जिसको कहते हैं आप कारकर्दगी है, नॉट एट ऑल। एक्चुअली सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो आपके दिमाग की एक्टिविटी है, ये इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक जो है सेक्सुअल एक्टिविटी का वो आपके दिमाग के साथ होता है। आप जितने ज़्यादा पुरसकून होते हैं, जितने ज़्यादा आप उस एक्टिविटी को इंजॉय कर रहे होते हैं, जितने ज़्यादा आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आप उतना ही ज़्यादा अपना बेड टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप उतना ही ज़्यादा अपना कनेक्शन विद योर स्पाउस पार्टनर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा जो है आप उस चीज़ से प्लेजर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मगर अगर आपके दिमाग में आप इस वक्त हैं तो अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, शोहर के साथ, बीवी के साथ, मगर आप सोच काम की रहे हैं, आपके दिमाग में और हज़ारों जो अनफिनिश बिजनेसेस हैं वो पड़े हुए हैं, या फिर उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये चल रहा है कि पता नहीं मेरा पार्टनर सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, या फिर ये चल रहा है कि ओहो अभी इरेक्शन लूज़ हो जाएगी, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम जो है वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ना आप अपनी इस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि आपका बेड टाइम जो है वो शॉर्टन भी हो सकता है और उसकी जो जैसे मैंने कहा 4 to 10 minutes आर मोर देन एनफ होता है, तो वो भी जो है आपका हो सकता है 4 मिनट्स तक या 3 मिनट्स में ही जो है आप जो अपने क्लाइमेक्स तक पहुँच जाएँ या इजैकुलेशन जो है वो हो जाए।
सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रैक्टिस क्या है। एंड टाइम को इंक्रीज करने के लिए, बेड टाइम को इंक्रीज करने के लिए बहुत छोटी छोटी सी टिप्स जो हैं वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी, जिसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। मगर ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा देखना ज़रूरी होता है कि आपके माइंड और आपके प्राइवेट पार्ट के बीच में जो एक कनेक्शन बना हुआ है वो कनेक्शन किस तरह का है, क्योंकि उस कनेक्शन के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्ड होती हैं और वही चीज़ें जो हैं वो रन कर, आपका दिमाग और आपके प्राइवेट पार्ट के बीच में जो कनेक्शन है वो चीज़ों को रन कर रहा होता है। एक तो आप ये ज़रूर देखिए कि कहीं आपका वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका पेट निकल रहा है, तो लेट मी टेल यू कि आपके फैट्स जैसे इंक्रीज़ होते हैं तो आपके पेनाइल एरिया में भी आपके फैट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जब वो फैट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो, उसकी वजह से इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी इफ़ेक्ट होगी, आपका टाइम जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। इसी तरह से अगर आपके अपने पार्टनर के साथ आपकी केमिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है, आपका उसके साथ ताल्लुक़ पॉजिटिव नहीं है, या वो आपके लिए एक अच्छी वाइब्स नहीं आती, तो आपका टाइम, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, हर चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन योर टाइमिंग और बेड टाइम को ज़्यादा प्लेजरेबल बनाना चाहते हैं, तो फिर से ये बात कह रही हूँ, चीज़ों को एक्साइटेड रखिए। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ज़रूर सीखिए। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का, अगर आप, जिसको आप पंजाबी में या किसी और तरह की चीज़ें अक्सर हम सुनते हैं कि अगर आप लंबी रेस के घोड़े रहना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाइए, और ख़ास तौर पे उसमें पुशअप्स जो होते हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज़ पुशअप्स जो हैं एक्सरसाइज में वो आपके पेनाइल एरिया को, आपके लोअर एबडोमन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को बेहतर करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको ओबेसिटी है, मोटापा हुआ हुआ है, तो आप कोशिश करें कि अपने जो है वेट को कम कीजिए, क्योंकि वेट किलर है आपके सेक्सुअल एक्टिविटी का, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस का। इसको कम कीजिए तो आप ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। देन अगेन कुछ चीज़ें अपनी प्रैक्टिस को ज़रूर वॉच कीजिए, और ये प्रैक्टिस को वॉच करने वाली जो बात है ये, क्योंकि आप खुद से नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि आप किसी प्रोफेशनल से इसके बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए, ताकि वो आपको बता सके कि बेसिकली एरर कहाँ पे आ रहा है, कहाँ क्या मसला आ रहा है, सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। और बेहतर करने की कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको बताई जा सकती हैं। बेहतर है कि आप डिस्कस करें और फिर अकॉर्डिंगली आपको वो प्रैक्टिस टेक्निक्स जो हैं बताई जा सकें, जिनसे आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग जो है कर सकते हैं। एंड देन अगेन अपनी डाइट को वॉच आउट कीजिए कि आप डाइट में कहीं बर्गर्स, कोक्स वगैरह, मीठा, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहे, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं, एंड स्मोकिंग, लेट मी टेल यू, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि आपकी टाइमिंग को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है। अगर आपकी रूटीन में ये सारी चीज़ें हैं तो इनको कट शॉर्ट करें। फिर अगेन वही कहूँगी कि अगर लंबे टाइम के लिए अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहते हैं, बेहतर सेक्सुअली परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दें। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप मेंटली पॉजिटिव होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, आप उतना ज़्यादा बेहतर सेक्सुअली परफॉर्म कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ टिप्स आपको हेल्प कर पाएंगी आपके बेड टाइम को बेहतर करने में। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।